काम रहा है एज अ टीचर, मेरा काम एज अ टीचर, एज अ स्कूल प्रिंसिपल, फिर राज्य सरकारों के साथ काम किया, दिल्ली में काम किया, यूपी में काम किया, जम्मू एंड कश्मीर में भी काम किया। एंड उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एक चीज जो मुझे समझ में आई कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जो कोर काम मुझे सबसे ज्यादा जो लगा है कि कहाँ मुझे अपना जीवन बिताना है, तो वो मुझे लगा कि यंग एडल्ट्स जो होते हैं, जो यूथ है, स्पेशली 18+ के जो यूथ हैं, उनके साथ एंगेज करने में मुझे दिखा कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जॉयफुल, सबसे ज्यादा मीनिंगफुल, और सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि हाँ, एक अलाइव फील करना। तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यंग एडल्ट्स के साथ और यूथ के साथ जब मैंने काम किया तो वो मेरे लिए था। एंड इसीलिए अभी जो पिछले कुछ सालों में जो मैं पिछले 7 सालों से बहुत सारा काम हमने युवाओं के साथ किया है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे, उनके लीडरशिप प्रोग्राम्स पे, एजुप्लॉयमेंट पे, कि ऐसी एजुकेशन देना जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और उनके साथ ऐसे ऐसे कुछ काम करना जिससे कि वो ना तो सिर्फ जाके एक अच्छा आर्थिक जीवन, एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले पाए, बट वो कैसे अपने जीवन में ईयर ऑन ईयर ग्रो कर पाए, कैसे वो अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। तो कहीं ना कहीं मेरा काम जो है वो बहुत सारा इस डायरेक्शन में रहा है, और आगे भी अलोहो मोरा से जुड़ने के पीछे का जो हमारा मकसद है वो यही है, ताकि हम ये काम को यंग एडल्ट्स के साथ, यूथ के साथ हम कंटिन्यू कर पाए। सो दिस इज अबाउट मी। और अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आयुषी को, जो हमारी कॉलीग है। आयुषी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. मेरा नाम आयुषी है. मैं पानीपत नाम के एक शहर में पली बड़ी हूँ. मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से की है. और उसके बाद थोड़ा बहुत काम मैंने मुंबई में किया है. और उसके बाद मैं दिल्ली सरकार के साथ में काम कर रही थी शिक्षा पे और गवर्नेंस पे. तो अभी मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस एडिप्लॉयमेंट फाउंडेशन. काफी बच्चे हमारी संस्था से आज हम लोग के साथ में जुड़े हैं. एंड बाकी आप जहाँ हम लोग एक दूसरे को जानेंगे ड्यूरिंग द वर्कशॉप. आई थिंक गुड गुड फॉर टुडे. या बैक टू यू आदित्य. ऑलराइट, तो आज हम मिले हैं, दो वर्कशॉप्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए, और उस वर्कशॉप के बारे में जो इंफॉर्मेशन सेशन है उसके लिए मिले हैं। और अभी मैं थोड़ा सा दूरदर्शन के एंकर की तरह कम बात करूंगा, तो इंट्रोडक्शन तो खैर थोड़ी सी, मेरी इंट्रोडक्शन तो थोड़ी बोरिंग रहती है, लेकिन अब मैं थोड़ा दूरदर्शन के एंकर की तरह कम बात करूंगा और एकदम साधारण भाषा जो होती है ना, एकदम उसमें अब हम बात करेंगे। नहीं, गाली गलौच नहीं होने वाला, बट हाँ, साधारण भाषा। ऑलराइट, तो अलोहो मोरा के साथ मिलके हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसका नाम है लीडरशिप कोचिंग एंड एग्जीक्यूटिव कोचिंग वर्कशॉप, और दूसरी वर्कशॉप कम्युनिकेशंस एंड बिजनेस केमिस्ट्री। तो पहले मैं लीडरशिप कोचिंग वर्कशॉप के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा कि वो किसके लिए है, कौन अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए, और अगर वो आप वर्कशॉप 2 दिन की अटेंड करते हैं तो आपको उस वर्कशॉप से क्या मिलेगा। सो सबसे पहली चीज है कि लीडरशिप कोचिंग, एग्जीक्यूटिव कोचिंग एक बॉडी ऑफ वर्क है जिसका मकसद होता है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो जैसा आप देख रहे होंगे कि आप दुनिया तेजी से बदल रही है, राइट? तो एक तरीका क्या होता है कि हम अपनी ग्रोथ पे फोकस करते रहे, कि आज मैं, मेरी जो गाड़ी है वो 70 की स्पीड से दौड़ रही है, मैंने ट्रेनिंग ली, प्रैक्टिस करी, और मेरी गाड़ी अब 75 की स्पीड से दौड़ती है, फिर मैंने और ट्रेनिंग करी और प्रैक्टिस करी, मेरी गाड़ी अब 80 की स्पीड पे दौड़ती है, राइट? तो अभी क्या हो रहा है कि हम एक अच्छी कार से और बेहतर कार बनते जा रहे हैं, लेकिन अब जो दुनिया है जिस तेजी से बदल रही है और दुनिया में जो जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो 70 से 75, 75 से 80, ज्यादा से ज्यादा आप 100 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, अब हमें क्या चाहिए होगी, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आप ज्यादा अच्छी कार बनते रहना चाहेंगे, या अब आप कार से ट्रेन बनना चाहेंगे, या ट्रेन से हवाई जहाज बनना चाहेंगे? जितनी मर्जी अच्छी कार हो, क्या वो हवाई जहाज का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती, राइट? एक एवरेज हवाई जहाज और एक बेस्ट से बेस्ट कार, तो एवरेज हवाई जहाज जो है वो ज्यादा तेजी से उड़ेगा, वो ज्यादा जल्दी आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा,
इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी गलत है या हवाई जहाज गलत है, दोनों की जरूरतें हैं। सवाल ये है कि जो जिस नई दुनिया की डिमांड्स के लिए आप तैयार हो रहे हैं और आप तैयार होना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए है ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगता है एफर्ट। और वो एफर्ट कब आएगा? जब हमें क्लैरिटी होगी, हमें पता होगा कि हमें करना क्या है, फिर हमें यह पता होगा कि जो हमने करना है उसके लिए क्या कीमतें चुकानी होंगी, जो हमें करना है उसके लिए मेरे कौन से ऐसे बिलीफ्स हैं मेरे दिमाग में जो मुझे पीछे खींच रहे हैं, मेरे कौन से ऐसे बिलीफ्स हैं जो मुझे पकड़ के बैठे हुए हैं, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अब जो मेरे बिलीफ्स हैं वो कहाँ से आते हैं? जहां जिस माहौल में हम पले बड़े हैं वहां से आते हैं, मैं जिस तरह का इंसान हूं मेरा DNA वहां से आते हैं, और डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आते हैं। ये वाले बिलीव्स दिन भर मेरे दिमाग में चलते हैं। हाँ, मुझे ये चीजों का संज्ञान नहीं है, हम बैठ के सोचते नहीं कि अच्छा मेरा कौन सा बिलीफ है, क्या है, कैसे है, राइट? लेकिन जिस दुनिया में हम जी रहे थे उनके लिए जो बिलीव्स थे वो अलग थे, और अब जो हम नई दुनिया में जी रहे हैं उनके लिए जो बिलीव्स लगेंगे वो अलग बिलीव्स होंगे। 1960 में जो बिलीव्स थे वो ये था कि यार कंप्यूटर की जरूरत क्या है, एक अच्छी सरकारी नौकरी हो तो अच्छा है, जॉब जैसी भी हो लेकिन स्टेबल होनी चाहिए, ये गारंटी होनी चाहिए कि कोई नौकरी से निकालेगा नहीं। 1960, 1970, 1990 में ये वाले बिलीव्स थे। लेकिन जो बिलीव्स 1960 में थे नौकरियों के बारे में, क्या वो बिलीव्स लेकर आप 2022, 2023, 2024 में क्या वो बिलीव्स लेकर सक्सेसफुल हो पाएंगे? वो सारे बिलीव्स आपके आड़े आएंगे। लेकिन बोलना बहुत आसान होता है, उन बिलीव्स को प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो बिलीव्स पहले मेरी लाइफ में से निकल के आए, फिर मेरी लाइफ में से निकल के आके मैं उन बिलीव्स को आईने पे देख पाऊं, और फिर मैं डिसाइड कर पाऊं कि ये बिलीव्स मैं रखने वाली हूं या रखने वाला हूं, और ये बिलीव्स मैं अपने साथ आगे लेके जाऊंगा या आगे लेके जाऊंगी। ओके, तो इस वर्कशॉप का ये मकसद है। लीडरशिप कोचिंग और एग्जीक्यूटिव कोचिंग की जो वर्कशॉप होती है उसमें हम ज्ञान नहीं देते हैं। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि एक अच्छी जॉब कैसे मिलती है, वर्कशॉप के बाहर जरूर मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन वर्कशॉप के दौरान में हम इस बात पे बात नहीं करेंगे कि अच्छी जॉब कैसे मिलती है, एक अच्छा पार्टनर चाहिए मुझे शादी करने के लिए वो कैसे ढूंढा जाए। उस सवालों के जवाब मुझे भी उतने ही पता है जो दुनिया में सबको पता है। हम यहाँ पर कोई लाइफ गुरुज, मैनेजमेंट गुरुज, इंडस्ट्री गुरुज के बन के नहीं आएंगे। ये जो 2 दिन होंगे, इन 2 दिन पे हम जॉब, शादी, फैमिली, सोसाइटी, इन सब से हटके हमारा फोकस किस पे होगा? हमारा फोकस होगा इंडिविजुअल पे। द फोकस इज मी, मेरा जो 5 फुट या 6 फुट का शरीर है उसके अंदर क्या चलता है, सारा का सारा फोकस उस पे होगा, राइट? एंड एक शब्द में अगर मैं कहूं तो इस वर्कशॉप का पर्पस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस। कि मेटामॉर्फोसिस जब होता है तो कैटरपिलर जो होता है वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ के एक नई आइडेंटिटी, वो एक प्यूपा में जाते हैं, कैटरपिलर एक प्यूपा में जाते हैं, उसमें उनका मेटामॉर्फोसिस होता है और वो बटरफ्लाई बन के निकलते हैं। अब क्या मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस आसान है? वो प्यूपा में जो कैटरपिलर का प्रोसेस है वो आसान है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो 2 दिन क्या आसान होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं होने वाले। ये 2 दिन बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, और वो चैलेंजिंग इसलिए होने वाले हैं क्योंकि जो इस वर्कशॉप में आएगा वो इस क्लैरिटी के साथ आएगा या आएगी कि हम अपना मेटामॉर्फोसिस करने, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ईजी, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कीमत चुकानी होती है। तो वो कीमत जो है वो मैं आपको, द पर्पस ऑफ दिस इन्फो सेशन इज कि मैं आपको वो सारी कीमतें बता पाऊं। इस वर्कशॉप की मेथोडोलॉजी क्या रहेगी? इस वर्कशॉप की मेथोडोलॉजी ये रहेगी दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग, कि हम जो भी चीजों के जवाब ढूंढेंगे सवाल जवाब के माध्यम से ढूंढेंगे। जैसा मैंने कहा, इस वर्कशॉप में ज्ञान नहीं मिलेगा कि नौकरी चाहिए तो naukri.com पे जाओ, मॉन्स्टर पे जाओ, ग्लास डोर पे जाओ, हम ये बातें नहीं करने वाले। ओके, फिर उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या मैं रिलेशनशिप में रहूं या रिलेशनशिप में नहीं रहूं, हम
रिलेशनशिप गुरुज नहीं है, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप करिए ना करिए, हम बहुत सारे सवालों के माध्यम से मेरे अंदर क्या थॉट्स चलते हैं, मेरे अंदर क्या एक इमोशंस का एक ड्रामा चलता है, मेरे अंदर इमोशंस किस तरह से प्ले आउट करती हैं, हम वो चीजों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। हम राइट रॉन्ग गुड और बैड पे तो फोकस करेंगे ही नहीं, क्या सही है क्या गलत है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन दो दिनों में हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। दो दिन से पहले दो दिन के बाद वो हम करते रहेंगे, बट इन दो दिनों में नहीं करेंगे, राइट। और उसके बाद फिर हम मिलके बैठ के हम साथ में मिलके डिसाइड करेंगे कि ओके ये चीजें निकल के आई हैं, अब देखते हैं हमने करना क्या। तो बहुत सारे सवाल जवाब रहेंगे। ये वर्कशॉप की दूसरी मेथोडोलॉजी क्या है कि हम एक आईना आपके सामने रखेंगे। आईना नहीं बताता कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आईना सिर्फ इतना बताता है कि देखो ये एक काला चश्मा है, ये काली टी शर्ट है, इस पे कॉलर है, इतने बाल हैं। आईना ये भी नहीं बताता कि मेरे बाल छोटे हैं या बड़े हैं, आईना बस इतना बताता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बाल हैं। आईना ये नहीं बताता मुझे कि ये चश्मा बड़ा है या छोटा है, वो मैं डिसाइड करूंगा कि ये बड़ा है या छोटा है। आईना सिर्फ ये बताएगा कि ये एक चश्मा है और ये काले रंग का है, दैट्स इट। हम इस वर्कशॉप में एक आईने का काम करेंगे एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक ऑफ फीडबैक। तो हमारा मानना क्या है कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। चैंपियंस जो है वो नाश्ते में क्या खाते हैं, वो फीडबैक खाते हैं। तो इस पूरी वर्कशॉप के दौरान में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे टू गिव एंड टेक फीडबैक, राइट। और वो फीडबैक का पर्पस क्या है, फीडबैक का पर्पस ये है फॉर आर ग्रोथ। फीडबैक क्या होता है, कैसे होता है, हम कैसे लेते हैं कैसे देते हैं, उस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। और एक सेफ, बहुत ही सेफ स्पेस में हम ये फीडबैक का लेन देन हम करेंगे, राइट। एंड इन द एंड जब आप ये वर्कशॉप खत्म कर लेंगे, आपके लिए क्या होगा, आपको क्लैरिटी होगी कि अच्छा मुझे लाइफ में क्रिएट करना क्या है, क्लैरिटी होगी। अगर आप उस प्रोसेस में हमारे साथ एंगेज करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे लाइफ में करना क्या है, कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जो मुझे रोक के रखे हैं, कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जो मेरे को आगे लेके जाएंगे, और कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जिनको कहेंगे कि हाँ ये अभी भी मेरे लिए काम कर रहे हैं, आप रह सकते हैं। तो कुछ बिलीव्स हम म्यूजियम में छोड़ के आएंगे, हम उनको अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, उनको म्यूजियम में छोड़ के आएंगे। जैसे आज की डेट में जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती थी ना, फ्लॉपीज होती थी, वो आज की डेट में कंप्यूटर म्यूजियम्स में है, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि कॉम्पैक्ट डिस्क और फ्लॉपी क्या होती है, क्योंकि उस हमारे जमाने में जब नई नई वो चीजें आई थी तब उस टाइम पे ये थोड़ी मुश्किल होती थी सामान लेने और छोड़ने, कंप्यूटर से सामान लेने और छोड़ने में। अब कॉम्पैक्ट डिस्क और फ्लॉपी क्या गलत है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन अब वो म्यूजियम में है। तो कुछ चीजें हम अब म्यूजियम में छोड़ के आ जाते हैं, कुछ चीजें हम अभी भी साथ लेके चलते हैं, जैसे पेन ड्राइव, जैसे हार्ड ड्राइव। और शायद मुझे पता चलेगा कि यार पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव सब काम नहीं चलेगा, अब मुझे क्लाउड पे भी सामान कैसे स्टोर करना है वो आना चाहिए, जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो कुछ चीजें हमने म्यूजियम में छोड़ दी, कुछ चीजें हमारे पास ही हैं और कुछ नई चीजें आएंगी। तो वही चीज अब आपके बिलीव्स के साथ ये इस वर्कशॉप में हम एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज वॉट यू विल गेट from the 2 days, आपको ये मिलेगा। And this is the process of metamorphosis, कि अब गाड़ी से अब ट्रेन, ट्रेन से हवाई जहाज बनने का प्रक्रिया। इस वर्कशॉप में ये सारी चीजें easier said than done है। इसके लिए कुछ कीमतें होंगी जो मैं आपके सामने रखता हूँ, कि अगर आप वो चुकाने को तैयार हैं तो फिर आप वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए आप जरूर सोचिएगा। पहले ये वर्कशॉप होगी 2 दिन की। अगर आप कमिट कर रहे हैं इस वर्कशॉप को तो आप तभी कमिट कीजिएगा जब आप पूरे 2 दिन दे सकते हैं। बीच में अगर आप ये वर्कशॉप छोड़ के जाते हैं तो ये इससे एक नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर मेरी सर्जरी कर दीजिए, डॉक्टर ने आपका पेट फूल काटा और पेट काट के रख दिया और वो सर्जरी चालू है, सर्जरी के बीच में अगर आप बोलते हैं कि नहीं नहीं यार मेरे को तो नहीं करना, मैं तो चली या मैं तो चला, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, राइट। सर्जरी शुरू करिए महाराज, वो सर्जरी पूरी कंप्लीट भी होगी, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर अप फ्रंट, कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2 दिन के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो जैसे रोलर कोस्टर होता है ना,
रोलर कोस्टर पे मजा बड़ा आता है। अरे क्या ऊपर जाके ऐसे नीचे आता है। रोलर कोस्टर में ऊपर पहुंचने के बाद अगर आप कहते हैं कि मेरे को तो उतरना है, मेरे को ये राइड पूरी नहीं करनी, तो फिर आपके पास एक ही चॉइस है कि 300 फीट से आप छलांग मारें। वो मुझे लगता नहीं कोई यहाँ करने वाला है। तो ये वर्कशॉप एक रोलर कोस्टर की तरह है। अगर आप कर रहे हैं तो आप 2 दिन पूरे करेंगे और बीच में छोड़ के जाने का वो ऑप्शन नहीं होगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप 2 दिन कमिट नहीं कर सकते, दैट्स परफेक्टली फाइन, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि अगला किसी बैच, अगले किसी वर्कशॉप पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका स्वागत रहेगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा ये वर्कशॉप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है पार्टिसिपेशन का, राइट। तो ये वर्कशॉप एक जिम की तरह है, स्पा नहीं है। तो जैसे नाई की दुकान होती है ना, कि नाई की दुकान पे या पार्लर में जाके हम बैठ जाते हैं और हम बोलते हैं कि ये पकड़ो पैसे और डू मी, आइए बाल काटिए, मालिश कीजिए या मसाज कीजिए या फेशियल कीजिए, तो वो स्पा है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, गलत नहीं है कुछ स्पा में, लेकिन हम एक जिम की तरह है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिस्क्रिप्टिव वहां पे कुछ नहीं होगा। हम आपके सामने मशीन्स रखेंगे, हम आपके साथ मिलके हाथ, मतलब हम आपके साथ हाथ में हाथ डाल के हम मशीन कैसे उठानी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है और बेहतर कैसे करना है, हम वो सारी की सारी चीजें हम आपके साथ मिलके करेंगे। लेकिन मशीन उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, राइट। और उस मशीन को उठाने की विलिंगनेस वो आपने शो करनी है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर अप फ्रंट कि ये वर्कशॉप का एक प्राइस रहेगा। दूसरा पार्ट क्या रहेगा कि इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन पे एक कंटिन्यू करना चाहूंगा। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से जाएगी, उतना आपको लर्निंग मिलेगी। बहुत सारे लोग इस वर्कशॉप में आते हैं, कब उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि यार मेरे को तो पहले से ये सब पता था, राइट। तो आप अगर आईने के सामने आएंगे ही नहीं तो आपको कुछ दिखेगा भी नहीं। तो आईने के सामने आने के लिए जो एक करेज लगेगा, जो एक हिम्मत लगेगी, वो करेज, वो हिम्मत, वो आपको दिखानी है। आप अगर वो करेज और आप अगर वो हिम्मत दिखाने को तैयार हैं, तो नया जो निकलना है, चेंज जो निकलना है, वो फिर इस वर्कशॉप के माध्यम से फिर वो निकल के आएगा। सो पार्टिसिपेशन इन दिस वर्कशॉप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इज दैट इस वर्कशॉप से पहले एक छोटा सा प्री वर्क होगा, तो वो प्री वर्क हम आपको देंगे। सो माय रिक्वेस्ट इज कि आप वो वर्कशॉप में आने से पहले वो प्री वर्क कीजिएगा, क्योंकि प्री वर्क से क्या है कि जो वार्म अप, दौड़ में जाने से पहले हम वार्म अप करते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग करते हैं, शरीर को थोड़ा थोड़ा गर्म कर लेते हैं। सो वो जो वार्म अप है वो आपको उस प्री वर्क के माध्यम से मिल जाएगा। एंड उसके बाद जब आप इस वर्कशॉप में आते हैं, एंड यू नो यू विल बी रेडी टू स्टार्ट, तो फिर आपकी स्टार्टिंग लाइन जो है वो आपकी काफी आगे हो जाएगी और आपकी लर्निंग एनहांस हो जाएगी। तो हमने पूरा प्रोसेस जो डिजाइन किया वो इसलिए डिजाइन किया, एक एक एक्टिविटी इसलिए डिजाइन किया कि हम आपकी लर्निंग जर्नी में इजाफा कैसे करें, हम उसको और थोड़ा आगे हम इस तरीके से कर पाए। तो बहुत माइंडफुली, बहुत सोच समझ के ये सारी चीजें डिजाइन करी गई है। ऑलराइट, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अभी के लिए मैं एक पॉज लेता हूँ। आपके कोई सवाल हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई क्लैरिफिकेशंस हैं, आप आराम से बिना हेजिटेशन के दिल खोल के पूछिएगा। और किसी भी टाइप के सवालों पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। सो आप जरूर पूछिएगा एंड वील बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स हेयर अप फ्रंट। इसके बाद भी कोई डाउट्स आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन 10 रुपया लगेगा एक डाउट का। लेकिन अभी अगर आप पूछेंगे तो हाँ सीधे आंसर हो जाएगा, नहीं लगेगा 10 रुपया, डोंट वरी। हाँ जी दीपशिका बोलिए। भैया इस ट्रेनिंग के जो टाइमिंग्स हैं वो आप मुझे बता सकते हैं क्या एक बार? सो ट्रेनिंग का टाइम हम लाइक 10 to 6 टाइप का रखेंगे कि आप समय से अपने घर भी पहुंच जाएं और हमें एक अच्छा चंक, एक अच्छा ब्लॉक भी मिल जाए। तो 10 to 6 या 10:30 to 6:30 वो हम एक बारी, मतलब इन वो अलोहा मोरा का ऑफिस में कितना कंफर्ट है इस टाइमिंग को लेकर, उस टाइम पे रूम अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन अराउंड इसी टाइम पे ही हम रखेंगे सो दैट आप कंफर्टेबली पहुंच भी जाए एंड टाइम पे वापस पहुंच जाए। मतलब ये ट्रेनिंग ऑफलाइन होने वाली है, ऑनलाइन नहीं?
जी बिल्कुल, और ये ऑफलाइन ही होगी, और ये वही है रोलर कोस्टर की। अगर आप एक GIF आपको भेजता हूँ मैं फोन पे, व्हाट्सएप पे रोलर कोस्टर, और रोलर कोस्टर पे आप खुद बैठते हैं, तो बस सिर्फ उतना ही फर्क है, ज्यादा नहीं। ओके, बट मैं सैटरडे तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, तो फिर संडे भी रह जाएगा। जी, सो यू कैन देन मे बी ज्वाइन सम अदर प्रोग्राम, जब कभी अगली बार होगा आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक ओके, थैंक यू सो मच। यू दीपशिका। यस, लेट्स हैव मोर क्वेश्चंस। चलिए, जो सवाल पूछेगा उसको 10 रुपये मिलेंगे। मेरे 20 रुपए पक्के। यस, एनी क्वेश्चंस ऑन, एनी क्वेश्चंस ऑन, डेट क्या बोलिए। होगी? वे डेट क्या होगी इसकी, वर्कशॉप की? ओवेस, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। यस यस, किसी ने सवाल पूछा है क्या 10 से 6 कंटिन्यू क्लास। हाँ, मतलब बीच में हम ब्रेक्स लेंगे और अच्छे से ब्रेक्स लेंगे, बट यस 10 to 6 रहेगा। नहीं, ये प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं है। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं है। प्लेसमेंट के लिए अलग हमारा एक प्रोग्राम चलता है, वो आप आयुषी दीदी के साथ अलग से बात कर लीजिएगा, राइट। तो ये वाला वर्कशॉप प्लेसमेंट्स ओरिएंटेड नहीं है। हाँ, मतलब इसमें हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा शिफ्ट आए जिससे आप अपनी प्लेसमेंट्स की तरफ 2-4 कदम आगे बढ़ जाएं। यस, वो डेफिनेटली हो सकता है, बट इस प्रोग्राम का गोल प्लेसमेंट नहीं है। 3rd and 4th August। यस, ऑल राइट। सो उत्कर्ष, क्या हम कम्युनिकेशन एंड बिजनेस केमिस्ट्री पे मूव करें? यस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से कुछ ऐड करने को है? हाँ, आई थिंक हम इसका कल एक एक सिलेक्शन प्रोसेस भी है, क्योंकि ये जो लीडरशिप कोचिंग है ये सबको ऑफर नहीं हो रही है। 15 स्टूडेंट्स का ही बैच होगा, और ये वर्कशॉप एल्मोरा के ग्रीन पार्क के ऑफिस में होगी, इन पर्सन होगी। सो उसके सारे डिटेल्स भी हम आपको बता देंगे। 3 से 4 अगस्त को होगी। बहुत ही आई थिंक, अगर आप बहुत ही कम लोगों को ये ऑफर भी हम कर रहे हैं अभी, तो अगर आप लॉन्ग टर्म अपने बारे में और बेटर, जैसे कि आदित्य ने बताया, अपने बारे में और बेटर समझना चाहते हैं, करियर के बारे में समझना चाहते हैं, तो जरूर इस स्पेस का आपको में आना चाहिए। सो ये एक चीज है जिसको हम, जिसके बारे में बता देंगे। तो अभी आप जो दूसरी वर्कशॉप है उसमें हमारे पास ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें सिलेक्शन का चांस भी ज्यादा है कम्युनिकेशन वाली, तो आप प्लीज एक बार वो भी बता दीजिए। ये सारी वर्कशॉप इन पर्सन ही होने वाली है, ये सबको क्लियर हो। जी, ये टोटली इन पर्सन, राइट। सेकंड इज दैट, जो अभी जैसे जो लीडरशिप कोचिंग और एग्जीक्यूटिव कोचिंग वाली वर्कशॉप है, उसका जो फॉर्मेट है वो क्या है? वो है सेल्फ टू सेल्फ। हम अपने साथ कैसे एंगेज करते हैं, उसका फोकस इस पे रहेगा। कम्युनिकेशंस एंड बिजनेस केमिस्ट्री वर्कशॉप का फोकस क्या है? सेल्फ टू अदर्स। तो कम्युनिकेशन एंड बिजनेस केमिस्ट्री वर्कशॉप में मेजरली सब्जेक्ट सेल्फ ही रहेगा, बट वो सेल्फ जब अदर्स के साथ वो सेल्फ की इंटरेक्शन होती है, तो फिर कम्युनिकेशन क्या होती है, राइट? कम्युनिकेशन एंड बिजनेस केमिस्ट्री में ये बात बहुत क्लियर है कि वी विल नॉट बी मेकिंग पॉइंटर्स अबाउट, यू नो, कि कम्युनिकेशन के लिए ये करो ये करो ये करो, आई कॉन्टैक्ट करो और सामने देख के बात करो, कॉन्फिडेंस रखो, ये सब चीजें नहीं होंगी, राइट? सो कम्युनिकेशन एंड बिजनेस केमिस्ट्री में हम मेजरली क्या करेंगे, हम इस दुनिया में 4 तरह की जो कम्युनिकेशंस हैं कि लोग जो सुनते हैं समझते हैं, वो 4 तरीके की जो कम्युनिकेशन है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। हम ये समझेंगे कि अगर 2 लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन जब आपस में होती है, कुछ लोगों के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो एकदम फर्राटे की तरह होती है, ओके? कुछ लोगों की कम्युनिकेशन जो होती है दैट वो एकदम उस तरीके से होती है कि
मतलब बात करी और एकदम बात पहुंच गई। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन होती है कि वो हम बात बोलते ही हैं और स्टार्टिंग में ही फ्रिक्शन आ जाती है। उसके पीछे जिसकी वजह से या तो मेरी कम्युनिकेशन जो होती है वो मेरी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा एकदम स्मूथ होती है या उसमें फ्रिक्शन आती है, राइट। तो ये दो तरह की कम्युनिकेशंस हम एक्सप्लोर करेंगे और उनको हम देखेंगे कि अगर मुझे उन लोगों के साथ जिनके साथ मुझे कम्युनिकेशन में चैलेंज आता है उनके साथ कम्युनिकेशन किस तरीके से मैं एंगेज करूं, वो क्या सुनते हैं, वो क्या समझते हैं, किस तरीके से उनका दिमाग चलता है, किस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो उनको वो वर्ड्स उनको पहुंचते हैं। सो ये वाली जो कम्युनिकेशन है हम इस तरीके से हम एक्सप्लोर करेंगे साथ मिलके। तो इसका जो नेचर होगा एक्सपीरियंशियल होगा। ऑफ कोर्स इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनिकेशन की कोई पीपीटी बनाऊंगा, एक एक्सपीरियंशियल नेचर होगा जिसमें हम वो जो मैं आपको बता रहा था कि क्वाड्रेंट्स हैं, जिन क्वाड्रेंट्स को हम साथ में मिलके एक्सप्लोर करेंगे वो हम साथ में मिलके समझेंगे और हम ये समझेंगे कि मेरा प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, राइट। मेरा प्रेफर कम्युनिकेशन मेथड क्या है। सेकंड इज वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो सामने वाला जिसके साथ मुझे चैलेंज होता है उसका प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप मुझे इस बात की ये दो चीजों की क्लैरिटी होगी और तीसरी क्लैरिटी क्या होगी कि जिनके साथ मुझे कम्युनिकेशन करने में चैलेंज आता है मुझे उनके स्टाइल्स को लेकर क्लैरिटी हो जाएगी और मुझे ये पता चलेगा कि अगर वो कम्युनिकेशन मुझे टेलर करनी है, अगर वो कम्युनिकेशन मुझे पर्सनलाइज करनी है उन लोगों के लिए तो मैं वो पर्सनलाइजेशन कैसे करूं, राइट। 21वीं सदी का जो लीडर है आज के डेट में अगर आप देखें तो 21वीं सदी में धीरे धीरे करके टेक्निकल स्किल्स जो हैं उसका प्रावधान आ जाएगा। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चैट जीपीटी, मिड जर्नी, गूगल बार्ड, मीटिंग के नोट्स लेने के लिए एटसेट्रा, वी हैव ऑल दीज प्रोविजंस नाउ। ये सारी की सारी चीजें, ये जो प्रावधान धीरे धीरे बन रहा है, राइट। तो अगर ये चीजें ऑलरेडी ऑटोमेट हो रही हैं तो मुझे ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कभी भी ऑटोमेट नहीं होंगी, जो सेम एज एवर रहेंगी, वो अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल वो चीजें सेम रहेंगी। उनमें से एक है कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे जितना मर्जी स्मार्ट हो जाए लेकिन अभी फिलहाल अभी 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या होता है वो मुझे नहीं पता, वो मेरी एरोगेंस होगी अगर मैं कहूंगा कि मुझे पता है। बट अभी के लिए तो ये चीज बहुत क्लियर है कि हम किससे क्या बोलते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वो चीज ऐसा नहीं है कि सेम रहे, वो चीज ऐसा नहीं है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर सकती है। सो कम्युनिकेशन एंड बिजनेस केमिस्ट्री वर्कशॉप जो है वो इसका फोकस रहेगा। ये वर्कशॉप आधे दिन की होगी, जैसे 10 से 2, 10 से 2:30 तक की रहेगी, इन पर्सन होगी, ग्रीन पार्क ऑफिस में ही होगी। टाइमिंग क्या हो सकता है उस पर हम डेफिनेटली अगेन अलोहमोरा के ऑफिस से बात करके, वो अवेलेबिलिटी करके वो हम आपको डिक्लेयर कर देंगे टाइमिंग्स। बट यस, दिस इज व्हाट दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी अबाउट। या सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। किसी के सवाल हैं तो हम सवाल अभी ले सकते हैं, अदरवाइज उत्कर्ष मेरी तरफ से दोनों वर्कशॉप्स के बारे में जो मैंने बताना था मैंने बता दिया है। ओवर टू यू। मैं बस वही एक बार फिर से रीइंफोर्स करना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसी वर्कशॉप्स अवेलेबल होती हैं आपके एज ग्रुप के लिए। ये काफी कह सकते हैं कि इस तरीके का जो User है वो कॉर्पोरेट लेवल पे या सीरियस प्रोफेशनल्स को ही ऑफर होता है। तो काफी मेहनत इसके पीछे इन्वॉल्व्ड है, आदित्य की, आयुषी की और एलोमोरा में हमारी। तो आप अगर सच में आप चाहते हैं कि कुछ स्कूल के बाद अगर आपको आपको कुछ जो है बेसिक
कुछ जो है आपको डायरेक्शन मिल सके, अपने बारे में अपने को समझने का मौका मिले और कैसे आप अपने करियर में आगे बढ़े, तो बहुत अच्छा ये मौका है आपके लिए। इवन हम, मैं और वानी, हम खुद भी इसको इन पर्सन अटेंड कर रहे हैं, तो मिलादम हम फैसिलिटेटर भी रहेंगे और पार्टिसिपेंट भी रहेंगे इन अभी, तो प्लीज इस मौके को एक्सप्लोर करिए। आई ऑल्सो एड, आई थिंक यहाँ पे मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने अपनी फर्स्ट लीडरशिप कोचिंग अटेंड की थी, एंड अगेन लाइक आदित्य वाज फैसिलिटेटिंग इट, एंड लाइक फ्रॉम दैट जर्नी टिल हियर अबाउट 6-7 इयर्स अगो, राइट, आई एम नाउ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो लीडरशिप कोचिंग की जो जर्नी रही है या कम्युनिकेशन की जो जर्नी रही है वो बहुत ही गजब की रही है, तो आई थिंक आई एम अ सिटिंग टेस्टामेंट राइट हियर उस सेंस में। तो आई वुड हाईली हाईली इनकरेज टू नॉट गिव अप ऑन दिस चांस एंड और ये मौका कॉर्पोरेट्स में भी सीनियर पोजिशन को मिलता है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद क्या है कि हम चाह रहे हैं कि ये मौका हम अपने यंग एडल्ट्स को लेके जाए और ये मौका हमारे हमारे और स्टूडेंट्स को मिले जो जरूरी नहीं है कि अभी कॉर्पोरेट में हो, और हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं उनकी लीडरशिप जर्नी 10-15 साल के बाद शुरू हो, वो मौका उनको 10-15 साल बाद मिले। हम ये चाह रहे हैं कि ये मौका उनको आज मिले और वो यात्रा वो आज से शुरू कर पाए। या ठीक है, कोई सवाल है तो प्लीज, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दीदी आई थिंक आदित्य ठीक है, हम आई थिंक अभी सेशन को हम क्लोज करते हैं, ये एक ओरिएंटेशन था और पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट के साथ हमें ऑलरेडी कुछ लोगों ने अप्लाई कर रखा है फॉर दिस, और उस लिस्ट के साथ हम आपके साथ कल फिर एक बार और कनेक्ट होते हैं, और आपको आपके साथ भी हम व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप जुड़े हुए हो, मेरे सबके से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर ही एप्लीकेशन फॉर्म भी कल सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाएगा, तो प्लीज उसको फिल कर दीजिएगा। ऑल राइट, थैंक यू। हाँ, मुझे भी कुछ कहना था, तो हमारे पास में यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस से काफी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे लीडरशिप वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ ताकि हम इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। थैंक यू एवरीवन, वर्कशॉप पे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। मुझे आपके एग्जांपल्स काफी अच्छे लगते हैं, मुझे लग रहा है मुझे आपसे सीखने पड़ेंगे।